अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गजनवी सतह से सतह पर 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोट ले जा सकती है। इसका परीक्षण कराची के पास सोन मियानी उड़ान परीक्षण रेंज से किया गया। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पंजाब के फतेहगंज में है, जहां इसे ट्रैक किया जाएगा। गजनवी के लिए पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस को अगले 3 दिनों के लिए बंद रखने का ऐलान किया था। मालूम हो कि पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस की 3 हवाई मार्गों को 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार दुनिया भर में मदद मांग रहा है। हालांकि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को मायूसी ही हाथ लगी है। ऐसे में वह जंग और परमाणु हमले की धमकी लगातार दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी को लॉन्च किया है। ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में परमाणु टकराव के संकेत दिए थे। इसके बाद 26 अगस्त को न्यूज चैनलों में उन्होंने इस बयान को दोहराया भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। इस हरकत से पाकिस्तान दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान की इमरान सरकार के रेल मंत्री शेख रसीद अहमद ने दावा किया है कि भारत से जंग होगी। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह तक बता दिया कि जंग कब शुरू होगी। शेख रशीद अहमद ने भविष्यवाणी की है, पाकिस्तान और भारत के बीच एक पूर्ण युद्ध होगा। उनका दावा है कि यह युद्ध अक्टूबर या उसके बाद हो सकता है।